जी तो लास्ट वीडियो इस एक्सरसाइज के हवाले से बनाते इसमें हम लोग इन दो प्रोग्राम्स कंप्लीट करेंगे इससे ये हमारा कि चैप्टर फ़ाइव की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इसको आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें अपने पास आप सिस्टम पे करते हैं अच्छी बात है आप देख के लिखते हो जुबानी लिखते हो लिखें ज़रूर एक से कम से कम दो से तीन बार प्रोग्राम को लिखें ताकि आपको उसकी जो चीज़ उसमें बात हो रही है देखें प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अगर आप गौर करें तो प्रिंट की स्टेटमेंट मैसेज बॉक्स की स्टेटमेंट उसमें कनकेटिनेट कुछ करना है उसकी स्टेटमेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है उनकी टाइप कोशिश करूं कि ये बातें साथ साथ जो है ना एग्जांपल में करता रहूं अभी तो सारे प्रोग्राम्स आपके सिलेक्शन के हिसाब से ही होंगे क्योंकि चैप्टर फ़ाइव की है तो चैप्टर फाइव के साथ साथ जो बाकी मैं बातें कर रहा हूँ स्टेटमेंट्स जो यूज़ करूँ इनपुट बॉक्स की टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ करता हूँ इनपुट के तौर पे कभी वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करता हूँ फिर आउटपुट कैसे करता हूँ लॉजिक क्वेश्चन से लॉजिक की तरफ कैसे जाते हैं इसको ज़रूर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ताकि जो है नट लीस्ट ऐट लीस्ट हमारा फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ऑफ द प्रोग्राम तो कम्प्लीट होना अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम फुल फ्लैच नहीं भी कर पा रहे हम एटलीस्ट फिफ्टी सिक्सटी परसेंट तो करें ना ताकि अटैम्प्टो तो हो चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आए तो ये चीज़ ज़रूर जो है ना आप लोग इसको देखें क्वेश्चन एट में कहते हैं प्रोग्राम बनाएं इफ स्टेटमेंट की मदद से जिसमें आप कंप्यूट करो स्क्वायर का एरिया और या फिर ट्रायंगल का एरिया कंप्यूट करो दोनों के फार्मूलाज दे दिए उसने आफ्टर प्रॉम्प्टिंग द यूज़र टाइप ऑफ यूज आफ्टर प्रोम्पटिंग यानी कि डिस्प्लेइंग द यूज़र आस्किंग फ्राम द यूज़र टू टाइप द फर्स्ट करैक्टर ऑफ द फिगर नेम एस और टी यानी कि अगर वो एस एंटर करता है तो आप स्क्वेयर के लिए कंप्यूट कर दो और अगर वो टी एंटर करता है तो आप ट्राइंगल का कर दो इसमें आप ये कर सकते हो कि एस के साथ अगर स्मॉल एस भी करे तो भी स्क्वेयर का कर दो और टी के साथ अगर स्मॉल टी करे तो उसके लिए भी कर दो मतलब इस तरह भी इसमें चीज़ें ऐड की जा सकती हैं यानी कि यहाँ स्मॉल एस हो और यहाँ कैपिटल एस हो तो स्क्वायर का एरिया कंप्यूट हो और अगर स्मॉल टी हो या फिर कैपिटल टी हो तो आपका ट्राइंगल का एरिया कंप्यूट हो स्क्वायर का एरिया उसका फार्मूला गिवन है और ट्राइंगल का एरिया उसका फार्मूला भी गिवन है अब इस प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं प्रीवियस प्रोग्राम है इसको मिटाया और ठीक है जी इसको ज़ूम किया इसको स्टार्ट करते हैं तो क्या मेरा ख़्याल है कि आपको ये चीज़ें थोड़ा आसान लगना शुरू हो गई होंगी कि आप रिविज़न हो रही है आपने उसे कहा कि जो है ना अगर आप एक मिनट के लिए वापस जाते हैं इस क्वेश्चन में तो फार्मूला में देखें क्या क्या है एरिया बेस हाइट तीन वेरिएबल हो गए और साइड चार वेरिएबल हो गए ना तो ये चार तो वेरिएबल आएंगे ही आएंगे और साथ ये भी आपने उससे चॉइस भी पूछनी है कि यार आप एस एंटर करना चाहते हो या टी एंटर करना चाहते हो तो ठीक है अब आप वापस आप आते हैं डिम साइड एज अच्छा पॉइंट्स में भी हो सकती है ना साइड्स वगैरह और बेस और हाइट्स वगैरह तो सिंगल जूम नहीं किया डेम साइड एज सिंगल ओके एरिया एरिया भी छोड़े साइड के बाद बेस एज सिंगल हाइट एज सिंगल ठीक है बेस सॉरी बेस हो गया हाइट हो गया साइड हो गई और एरिया एज सिंगल भी किया जा सकते हैं और आप चाहें तो इसको डबल के तौर पे भी डिफाइन कर सकते हैं ठीक है और आपने कहना है भाई एस एंटर किए या टी तो इसके लिए आपने वेरिएबल डिक्लेयर कराया चॉइस नाम का सी एच भी रख सकते हैं चॉइस भी रख सकते हैं आपकी मैं सी एच चलें कर लेता हूं आपकी मर्जी है एस स्ट्रिंग क्योंकि एफ या सॉरी टी या एस एंटर होगा तो इसलिए आप उससे पहले पूछो कि भाई आपकी चॉइस क्या है चॉइस के लिए सी एच नाम का वेरिएबल रखे इनपुट बॉक्स भाई एंटर योर चॉइस है। और इसे क्लोज किया अगर उसकी चॉइस बराबर है एस के या फिर उसकी चॉइस बराबर है एस के तो बस ठीक इसका मतलब स्क्वेयर और स्क्वेयर के लिए हमें पता है कि हमें इस पास हमें साइड चाहिए साइड की वैल्यू मिल जाए हमें इसको जूम आउट करके आपको दिखा भी देता हूँ अगर हमें स्क्वेयर के लिए काम करना है तो बस हमें साइड इनटू साइड करना है so, so किया। तो बस ठीक है आपको भाई साइड की वैल्यू यूजर से मांग लो इनपुट बॉक्स और आप उसे कहो कि एंटर साइड। ठीक है बस साइड आ गई तो आपके पास एरिया भी कंप्यूट हो जाएगा एरिया सिंपल है साइड स्टेरिक के बराबर है बस इसको डिस्प्ले करा चले मैसेज बॉक्स में करते हैं कि मैसेज बॉक्स एरिया ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कनकनेट करें एरिया को इसके साथ दैट्स इट ये आपका जो है ना अगर स्क्वेयर का मामला हुआ एस का मामला हुआ तो बस ये कर देना नहीं ऐसा नहीं है तो फिर क्या हो सकता है कि एल सेफ चलें अगर चॉइस उसने जो एंटर की है वो टी के बराबर है स्मॉल टी या फिर चॉइस जो उसने एंटर की है वो कैपिटल टी के बराबर है तो बस ठीक है फॉर्मूला कह रहा था कि बेस की वैल्यू मांगनी है पुट बॉक्स एंटर बेस डबल क्लोज किया ब्रैकेट भी क्लोज किया और आपने हाइट भी मांगनी थी एक बात का ख्याल रखना है कि जो वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किए हैं वही नीचे यूज़ करने हैं आपने हाइट को ऊपर जैसे डिक्लेयर किया हाइट को नीचे भी उस तरह उन्हीं स्पेलिंग के साथ उस तरह यूज़ करना है बेस के साथ भी और तमाम वेरिएबल्स भी इसी तरह एंटर हाइट डबल कोर्ट्स में मैं इंटेंशली कैपिटल लिख रहा हूँ क्योंकि डबल कोर्ट्स में लिखे जाने वाली चीज़ स्ट्रिंग होती है उसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके वेरिएबल के साथ ये आपको रिवाइज़ कराने के लिए तो बस ठीक है एरिया किसके बराबर है उसने कहा था वन ओवर टू इंटू बेस इंटू हाइट तो वन ओवर टू बेसिकली क्या पॉइंट फाइव ही होता है स्टेरिक बेस स्टेरिक हाइट दैट्स इट तो आप मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करा दो कि एरिया ऑफ ट्राई एंगल इज़ बस डिस्प्ले करा दो एरिया क्योंकि तो अब ये ट्राइंगल के फार्मूले के मुताबिक होगा अगर ऐसा भी नहीं है अगर एच भी नहीं है ऊपर एक चीज़ गलत ग़लतम कराएँ ये आता है डबल कोर्ट्स में अगर एस पी एंटर नहीं किया और आपने टी भी एंटर नहीं किया तो इसका मतलब है आपकी जो चॉइस है वो इनवैलिड है तो बस ठीक है आप मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करा दो इनवैलिड चॉइस दैट्स इट और इसको कर दो एंड एफ इसको जूम आउट करते हैं इसको चलाते हैं उसने कहा चॉइस डालो मैंने कहा एस उसने कहा साइड डालो मैंने कहा ट्वेल्व उसने कहा ठीक है ये आपका एरिया स्क्वेयर का आ गया दोबारा चलाया उसने कहा चॉइस चलो मैंने कहा टी उसने कहा ठीक है बेस डालो मैंने कहा फाइव एक मिनट टाइप मिसमैच मैच डिबक करते हैं हाइट हाइट में क्या इशू है हाइट एज बेस यही लिखा दोबारा देख लेते हैं क्या इशू है इसमें टी फॉर triangle, base। बेस अब कह रहे बेस की वैल्यू डालो मैंने कहा फाइव टाइप में स्मैच बेस में क्या इशू आ रहा है इसको उसको सिंगल अगर है हाइट सिंगल अभी है ये भी ठीक है सेकंड दोबारा देख लेते हैं इसे साइड वाले केस में तो ठीक आ रहा था दोबारा चलाते हैं उसने कहा टी कहा बेस एक मिनट इशू हाइट के साथ है मिनट। टिम हाइट है सिंगल टिम एरिया है डबल इसकी टाइप यही टाइप है और कोई रिक्वेस्ट मसला भी नहीं है चलाते हैं बेस और रन टाइम एरर थर्टीन पक टाइप में स्मैच एंटर हाइट स्टॉक किया hmm. दोबारा लिखते हैं हाइट इक्वल्स टू इंटपुट बॉक्स एंटर हाइट बेस इंटरपेस बेस की टाइप रखी सिंगल इसकी टाइप रखी सिंगल और इस बाकी को तो इशू नहीं है फिर चलाते हैं टी में बेस फोर हाइट फाइव तो ट्रायंगल आ गया टेन ठीक है दोबारा देख लेते हैं चॉइस टाली टी बेस टाली फॉर एग्जांपल फोर हाइट डाली लेट सपोज फाइव तो फार्मूले के मुताबिक एरिया हमारे पास कंप्यूट होके आ गया और दोबारा चलाते हैं उसने कहा चॉइस मैंने कहा आर तो वो कह रहा है कि इन चॉइस अच्छा एक चीज़ ये जो एरर आया था उसको सब देखना ये सारी चीज़ें पॉज भी की जा सकती थी ये इंट, इंटेंशली वीडियो को पॉज़ नहीं भी किया गया और कट भी नहीं के आप जब भी प्रोग्राम बनाओ और इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं तो आप मैं अगर देख रहे तो मैं डिबक पे बार बार जा रहा था कि वो मुझे उस लाइन पे लेके जा रहा है जिस लाइन पे इशू है ताकि हम इसको फिर आसानी से रिजॉल्व कर सकें लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन भी एक आध बार पहले आ चुका है कि यूजर से कहो कि अपने मार्क्स बताए और उसकी परसेंटेज कम्प्यूर्ट करके बताओ टोटल मार्क्स उसके ग्यारह सौ हैं अगर उसने जो है ना मार्क्स जो जितने मार्क्स लिए उसके बाद कंप्यूट करो उसकी परसेंटेज अगर 80 से ज़्यादा आती है तो ए प्लस सेवेंटी से ज़्यादा आती है तो ए सिक्सटी से ज़्यादा आती है तो बी फिफ्टी से ज़्यादा पे सी फोर्टी से ज़्यादा पे डी थर्टी थ्री से ज़्यादा पे ई e, और इससे नीचे पे एफ़ ठीक है ये कंप्यूट करने का कह रहा है तो ये प्रोग्राम हम लोग जल्दी से बना लेते हैं वो क्या कहता है कि पहले तो कहता है इसको स्टॉप करो इसको मिटाओ इसको करो जूम वो कह okay रहे ठीक है एक वेरिएबल होगा आपका जो आपको मार्क्स आप यूजर से पूछोगे अच्छा उसका नाम रख लो एम या मार्क्स चलो कर लो मार्क्स एज इंटीजर और आपने उसकी परसेंटेज कंप्यूट करनी है तो डिम पर पर कर लो परसेंट कर लो परसेंटेज लिख लो आपकी मर्जी है ठीक है मैं चले जो है ना पी ई आर पर कर लेता हूँ या ए एवरेज के लिए भी कर सकते थे पॉइंट्स में आएगी तो हम इसको कर लेते हैं सिंगल के तौर पे ठीक है आप पहले इसको मार्क्स की वैल्यू जो डालो तो इनपुट बॉक्स आपने उसे कहा एंटर मार्क्स ठीक है और मार्क्स के हिसाब से आपने कंप्यूट करनी परसेंटेज तो परसेंटेज बराबर है जितने उसके मार्क्स आए हैं उसको डिवाइड करो टोटल मार्क्स के साथ उसको डिवाइड करो टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर दो हंड्रेड से तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी अगर उसके परसेंट एज ज़्यादा है या बराबर है एटी के क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है तो आप प्रिंट कर दो प्रिंट कर दो कि परसेंटेज इस परसेंटेज जो है वो कितनी परसेंटेज आपकी स्टोर हो रही है परसेंट में पर, पर में ठीक है और साथ आप यहीं पर डिस्प्ले करा दो कि ग्रेड जो है ग्रेड जो है ए प्लस है ये क्वेश्चन में गिवन है सारा ठीक है अगर ऐसा नहीं है चलें इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ अगर वो सेवेंटी या सेवेंटी से ज़्यादा है तो आप उसकी परसेंटेज कंप्यूट कर दो और अब उसका ग्रेड जो आ, कंप्यूट तो सॉरी ऑलरेडी हो चुकी है डिस्प्ले करा दो परसेंटेज और उसका जो है ना ग्रेड है वो ए ठीक है मैं इसको तो पूरा कॉपी करता हूँ नहीं अगर ऐसा भी नहीं है तो अगर उसकी परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा है तो आप उसकी परसेंटेज डिस्प्ले कराओ और साथ उसका ग्रेड बता दो बी नहीं ऐसा नहीं है तो अगर उसकी परसेंटेज 50 या 50 से ज़्यादा है तो उसकी परसेंटेज डिस्प्ले कराओ ये जुलाई परसेंटेज डिस्प्ले करेगी और ग्रेड उसका बता दो कि सी ग्रेड है ऐसा नहीं है अगर उसकी परसेंटेज 40 या 40 से ज़्यादा है तो परसेंटेज डिस्प्ले करो और उसका ग्रेड इसको बता दो कि आपने जहमत ही की है आपका ग्रेड है डी अगर उसके मार्क्स 40 के बाद 33 या 33 से ज़्यादा हैं तो आप उसको कह दो तो भाई इतनी परसेंटेज है जो बताने के काबिल नहीं लेकिन फिर भी बता दो ग्रेड उसका ई है और अगर थर्टी थ्री करना था यहाँ पे और अगर थर्टी थ्री से भी ज़्यादा नहीं है तो बस आप डिस एल्स प्रिंट करा दो कि वैसे तो प्रिंट कराने की भी हिम्मत चाहिए लेकिन फिर भी आप करा दो कि जो है ना परसेंटेज आपकी इतनी है और ग्रेड आपका जो है ना गलती से एफ़ है ठीक है और इसको यहाँ कर दें एंड एफ इसको करें जूम आउट, ये प्रोग्राम हुआ कंप्लीट, इसको चलाते हैं वो सबसे पहले एंटर क्यों कह रहे हैं अभी मार्क्स बताओ मैंने कहा मार्क्स हैं एक हज़ार एक हज़ार लिखूँगा तो ये यह यहाँ से परसेंटेज कंप्यूट होगी ग्यारह सौ से डिवाइड हंड्रेड से मल्टीप्लाई होगा वो कह रहे हैं नाइन्टी परसेंट आपके जो है ना परसेंटेज है आपकी ग्रेड आपका ए प्लस है बिल्कुल ठीक है चलो दूसरी के लिए करते हैं कह रहे हैं मार्क्स मैंने कहा जी 950 तो 950 पे कह रहे हैं हाँ आपकी परसेंटेज 86 है और ए प्लस आपका ग्रेड है 600 मार्क्स डाले तो 600 पे कह रहे हैं आपकी भाई परसेंटेज 54 है सी आपका ग्रेड है लास्ट करते हैं उसने कहा मैंने कहा ढाई मार्क्स हैं तो उसने कहा भाई बाईस इशारिया साहद आपकी जो है ना परसेंटेज है एफ़ आपका ग्रेड है ठीक है तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर नाइन भी कंप्लीट हो जाता है आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखें इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करें चैप्टर के बीच के भी जो क्वेश्चंस हैं लाजमी उनको भी प्रैक्टिस करें उनको भी देखें जो थ्योरी लिखी है उसको भी लाजमी गो थ्रू करें ताकि चैप्टर फाइव आपका अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो चैप्टर फाइव आपका अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो चैप्टर फाइव जो है ना कंप्लीट हो चुका है इसकी जो है ना एक्सरसाइज़ चैप्टर फोर की एक्सरसाइज भी आप लोगों को जो है ना होपफुली कल तक मिल जाएगी चैप्टर फ़ोर की एक्सरसाइज़ होगी फाइव की एक्सरसाइज हो जाएगी फोर और फाइव के चैप्टर के बीच के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें ठीक है तो नेचुरली आपका चैप्टर थ्री भी कंप्लीट हो जाएगा थ्री के हवाले से भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वो वीडियोस हैं वहाँ मौजूद इसी चैनल पे आपको लिंक्स भी भेजें क्या उसमें जो है ना तकरीबन साठ सत्तर मिनट की डिस्कशन है या शायद ज़्यादा ही हो सात आठ वीडियोस के अंदर इनपुट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स प्रिंट मैसेज बॉक्स इन को अलग अलग करके डेटा टाइप्स इनको अलग अलग करके एक्सप्लेन किया आपने एक्सरसाइज में भी ये चीज़ें सुनोगे वहाँ भी ये चीज़ें देख लोगे तो इन शाला चीज़ें कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा इन थैंक यू